हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मोदक की और एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। आज मैं बना रही हूँ मावा मोदक। तो इसके लिए मैंने इधर कढ़ाई पे पहले दूध ऐड कर दूंगी। तो ये दूध को थोड़ा सा अच्छे से बॉईल कर लूँगी। दूध अच्छे से उबल रहा है, अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, एकदम पिंच ऑफ। अभी इसको मिला दूँगी अच्छे से। ये दूध अभी अच्छे से उबल गया है, अभी इसमें मैं डाल दूँगी ग्रेट किया हुआ पनीर। आप चाहे तो पनीर को मिक्सी में थोड़ा सा चला के भी ले सकते हो, तो मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको अभी ऐड कर दूंगी दूध में। पनीर को अभी दूध के साथ अच्छे से कुक करना है। अब देख सकते हो ये पनीर ऑलमोस्ट कुक हो गया है। तो मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी शक्कर। तो अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी मिल्क पाउडर। तो ये मिक्सचर रेडी हो गया है, अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर थोड़ा सा। तो ये मिक्सचर को अभी मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। इसमें ऐड कर दूंगी एकदम थोड़ा सा घी। तो ये मिक्सचर को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अभी इसमें मैं डाल दूंगी रोज पेटल थोड़ा सा। अब इसको मिला दूंगी हाथों से। तो ये मोदक का मोल्ड ले लिया है मैंने। अभी इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी। अब इसमें मैं स्टफिंग अंदर डालूंगी। अच्छे से प्रेस करके डालना है। ये देखिए रेडी हो गया है।
तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी ट्राई करके देख सकते हो गणपति में, और गणपति जी को भोग चढ़ा सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मिलते हो आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।